What's up guys, this is Sirbi Ashok and you are welcome to my channel. So I hope you guys are doing well and I am not doing well. मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ है इसलिए आज मैंने कोई सेटअप वेटअप नहीं करा है, कोई बैकग्राउंड सेट नहीं करा, जैसे बैठी थी वैसे ही शूट कर लिया, इसीलिए आज मैंने स्नैप से शूट करा ताकि मैं थोड़ी बीमार ना लगूँ इसलिए. तो चलो बकवास बंद करते हैं, वीडियो पे आते हैं. आज की वीडियो में हम टी शर्ट पेंट करने वाले हैं. टी शर्ट है एक येलो कलर की प्लेन कॉटन मिक्स टी शर्ट जिसपे मैंने एक्रिलिक कलर को यूज़ करते हुए फोक आर्ट बनाई है. तो जो आज की वीडियो है एक टी शर्ट पेंटिंग वीडियो के साथ साथ एक फोक आर्ट पेंटिंग वीडियो भी है. जैसे कि आपको याद होगा अगर कि मैंने स्टार्टिंग में एक फोक आर्ट सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका फर्स्ट पार्ट मधुबनी पेंटिंग का था और सेकेंड पार्ट वर्ली पेंटिंग का था. तो जो आज की वीडियो है वो टी शर्ट पेंटिंग भी है प्लस एक फोक आर्ट है जो कि है गॉन्ड आर्ट. गॉन्ड आर्ट आई होप आप लोगों ने सुनी हो, अच्छी बात है अगर सुनी हो तो, और नहीं सुनी हो तो कुछ डिटेल्स मैं आगे डालने वाली हूँ, जरूर देखना. ये आर्ट फॉर्म जो है एक बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म है. मतलब मेरे को पर्सनली ये थोड़ी अलग लगती है बिकॉज ये ना बाकी सारी जो फोक आर्ट है उनसे बहुत अलग है, लाइक पटचित्र, वर्ली एंड मधुबनी, मतलब उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है बट गॉन्ड आर्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट. सो वो मुझे बहुत यूनिक लगती है. प्लस मैंने भी जब अपना फर्स्ट कैनवस पेंट करा था तो मैंने गॉन्ड आर्ट ही पेंट करी थी उसमें. सो दिस आर्ट फॉर्म इज क्वाइट स्पेशल टू मी. बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं इस फोक आर्ट को लेके मेरे पास. तो चलो आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं. टी शर्ट मैंने कैसे बनाई है वो देखते हैं और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी. So without wasting any more time, let's get started. So this is the cotton t-shirt I got. और ये मैंने अपना examination board इसके अंदर लगा दिया जिससे कि मैं एक अच्छा surface बना पाऊँ pencil से draw करने के लिए. और draw करने के बाद मैंने क्या करा कि मैंने इसके अंदर newspaper लगाया जिससे कि कलर जो है वो कपड़े की दूसरी साइड पर ना जाए. उसके बाद मैंने acrylic colors लिए और ये दो flat brush और एक zero tip brush लिया detailing के लिए. तो अब अपने अकॉर्डिंग आप कोई सी भी इमेज अपनी जो आपको बनानी है उसको ड्रॉ करने के बाद आप अपने कलरिंग पैटर्न को स्टार्ट करिए बेस कलर से. ये जो वाली पेंटिंग है ये सबसे इजी गॉन्ड आर्ट है जो मेरे को मिली नेट पर और जो आसानी से मैं कपड़ों पर बना सकती थी. ज़्यादा डिटेलिंग वाली थोड़ी हार्ड होती है इसलिए मैंने अभी यही बनाई और ये काफ़ी फेमस पेंटिंग भी है. तो मैं आपको गॉन्ड आर्ट के बारे में बताने वाली थी. गॉन्ड आर्ट जो है वो एक सेंट्रल इंडिया की ट्राइबल आर्ट है जो वहाँ के गॉन्ड नाम की भी एक ट्राइब थी वहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया में वो बनाते थे अपने घर के दरवाज़ों पर और अपने घर की दीवारों पर. तो ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है ऑलरेडी और मुझे बहुत यूनिक लगती है तो इसीलिए मैंने टी शर्ट पर ये बनाई क्योंकि नॉर्मल प्रिंट तो सभी करते हैं लेट्स डू समथिंग यूनिक. ओके तो ये अब ये हो गई है रेडी.